नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त नायरा आज आपके लिए लेकर आई हूँ अश्वगंधा। अश्वगंधा जिसे हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होती है। अश्वगंधा एक जड़ी बूटी होती है जिसका सेवन करने से हम अपनी बॉडी को और भी ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अश्वगंधा का सेवन हमें लिमिट से करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज का सेवन जरूरत से ज्यादा करने से हमें नुकसान हो सकता है। तो आइए, मैं आपकी दोस्त नायरा आज आपको बताती हूँ अश्वगंधा के फायदों के बारे में विस्तार से। टिप नंबर वन, अश्वगंधा का सेवन करने से आप अपने आलस को अपने आप से दूर भगा सकते हैं। अगर आप ज्यादा आलस महसूस करते हैं और आपको काम करने का मन बिल्कुल नहीं होता, तो आपको अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर का आलस दूर होगा, साथ ही साथ शरीर में स्फूर्ति भी बनी रहेगी। टिप नंबर टू, वे लोग जिनको संभोग के टाइम पे ज्यादा थकावट होती है, ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा उत्तम औषधि है। इसका सेवन करने से वे अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। टिप नंबर थ्री, अश्वगंधा एक एंटी एजिंग तत्व भी है। अगर आप इसके पाउडर का सेवन नियमित रूप से करते हैं, तो आपके ऊपर जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा, साथ ही साथ ना ही चेहरे पर रिंकल्स आएंगे और ना ही झुर्रियां। टिप नंबर फोर, अश्वगंधा का सेवन करने से मन शांत रहता है, साथ ही साथ हमारे शरीर की सहन शक्ति भी बढ़ती है। टिप नंबर फाइव, अश्वगंधा का सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसका सेवन अगर नियमित रूप से किया जाए तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बेटर होता है, साथ ही साथ हमें बीमारियां भी कम होती हैं। टिप नंबर सिक्स, अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती है, तो आपको अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए। अश्वगंधा का सेवन करने से आपकी अनिद्रा की बीमारी दूर हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे अश्वगंधा के फायदे। इनका उपयोग करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर परामर्श कर लें। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।